नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। पहाड़ी जिलों में बारिश की आशंका, मैदानों में हो सकती है बूंदाबांदी। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता रहता है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अनेक स्थानों में गर्जन के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज विशेषकर नैनीताल, चंपावत और देहरादून जनपद के अनेक स्थानों गर्जन चमक के साथ कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आज देहरादून में पेट्रोल 97.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.31 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97.44 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.90 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97.46 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.94 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट की 10वीं और 12वीं की कक्षा के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं व 12वीं के नतीजे सुबह 11 बजे घोषित होंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उत्तराखंड बोर्ड के कार्यालय में नतीजे घोषित करेंगे। इस लिंक पर क्लिक कर जान सकते हैं रिजल्ट www.ubse.uk.gov.in। सरकार को घेरेंगे गोदियाल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद गणेश गोदियाल सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। इसी कड़ी में गोदियाल आज केदारनाथ विधायक मनोज रावत के साथ मिलकर देवस्थानम बोर्ड, भू कानून जैसे विषयों को उठाकर भाजपा सरकार पर हमला बोलेंगे। विधानसभा दौरे पर धन सिंह रावत। अपने विधानसभा श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। 4 दिनों तक अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। डीमैट खाता न हो जाए बंद। डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट वाले निवेशकों को KYC डिटेल पूरी करने के लिए आखिरी तारीख आज। डिटेल अपडेट नहीं करने पर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ने इस साल 7 और 5 अप्रैल से इस बाबत सर्कुलर जारी किया है। टोक्यो ओलंपिक। भारत आर्चरी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, सेलिंग जैसे खेल में शिरकत करेगा। इसके अलावा एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का जोर देखने को मिलेगा। बैडमिंटन, आर्चरी और शूटिंग से मेडल की उम्मीद रहेगी। वहीं हॉकी टर्फ पर भारतीय महिला हॉकी टीम साउथ अफ्रीका को हराने के मकसद से मैदान पर उतरेगी। टोक्यो ओलंपिक। तीरंदाजी में अतनु दास पर नजर। मेंस तीरंदाजी में भारत के अतनु दास मेंस सिंगल्स में अपना प्री क्वार्टर मैच खेलने उतरेंगे, जिसमें उनका मुकाबला जापान के तीरंदाज से होगा। इसके बाद इस इवेंट का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल भी खेला जाएगा। मेंस सिंगल्स के अलावा तीरंदाजी के मेंस टीम इवेंट के मुकाबले भी होंगे। महिलाओं का मुकाबला। सिंगल्स मुकाबले में पीवी सिंधु अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। शूटिंग में महिलाओं के 50 मीटर 3 पोजीशन के इवेंट होंगे, जिसमें अंजुम मौदगिल और तेजस्विनी सावंत पर सभी की निगाहें होंगी। वहीं मुक्केबाजी में भारत के मेंस बॉक्सर अमित पंगाल भी रिंग के अंदर हलचल मचाते दिखेंगे। हरक रावत करेंगे अधिकारियों से मुलाकात। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कल देहरादून में रहेंगे। विधानसभा में विभागीय अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। राज्य आंदोलनकारियों की बैठक। राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर करेंगे बैठक। आगामी 8 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव पर करेंगे चर्चा। डोईवाला। ग्रामीणों ने की सुसवा नदी में सायरन लगवाने की मांग। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते हर साल सुसवा नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है। बता दें कि सुसवा नदी के आसपास 12 से अधिक गांव हैं। इन गांवों के ग्रामीणों को हर साल बारिश के सीजन में सुसवा नदी से खतरा बना रहता है। बारिश में सुसवा नदी का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस जाता है, जिससे उनके काफी नुकसान होता है। ग्रामीणों के कई मवेशी भी नदी में बह जाते हैं। रुड़की। बारिश के कारण मकान ध्वस्त, ग्रामीणों ने ADB पर लगाया लापरवाही का आरोप। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में यह बारिश लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। ताजा मामला रुड़की के गणेशपुर मोहल्ले का है, जहां बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा बैठ गया, जिस कारण सड़क से सटा एक मकान का कुछ हिस्सा गिर गया और अन्य 2 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि इस दौरान जनहानि नहीं हुई और समय रहते लोग मकानों से बाहर सकुशल निकल आए। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया।
पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह दक्षिण कश्मीर के नागबेरान तारसार वन क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 24,000 सरकारी पदों पर जल्द शुरू होंगी भर्ती प्रक्रिया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्राथमिकताओं को जाहिर, साथ ही उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना और वर्क कल्चर डेवलप करना भी अपनी प्राथमिकताओं में बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा करने का उनका सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वे बोलने पर नहीं बल्कि कर्म में विश्वास करते हैं। कम बोलना और ज्यादा काम करना उनका ध्येय वाक्य है। राज्य हित में उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा फैसले लिए हैं। राज्य के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हमारा एजेंडा है। 8 अगस्त को UKSSSC आयोजित करेगा सहायक अध्यापक LT की लिखित परीक्षा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक अध्यापक LT के रिक्त चल रहे पदों के आगामी 8 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हल्द्वानी में ट्रक और कार की भिड़ंत, 2 घायल। मुखानी थाना क्षेत्र के लामा चौड़ के पास सुबह ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर हल्द्वानी कालाढूंगी मार्ग के बीचों बीच पलट गया। कार में सवार हल्द्वानी के 2 युवा पत्रकार देहरादून से हल्द्वानी आ रहे थे, जो घायल हुए हैं। उनका बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। DGP ने सीमा पर ड्रोन हमलों के मद्देनजर किया अलर्ट, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड राज्य से सटे नेपाल बॉर्डर से भारत आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, नेपाल बॉर्डर से आवाजाही करने वाले लोगों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। 1 अगस्त को काठगोदाम से हावड़ा को जाने वाली बाघ एक्सप्रेस रद्द। मानसून के कारण पश्चिमी बंगाल में अतिवृष्टि के चलते हावड़ा के रेलवे यार्ड में पानी भर गया। ऐसे में शुक्रवार को हावड़ा से काठगोदाम को चलने वाली बाघ एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चली, जिसके चलते 1 अगस्त को काठगोदाम से हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। 21 कांवड़ियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पाबंदी के बावजूद जबरन कर रहे थे यात्रा। कोरोना को देखते हुए हरिद्वार में कांवड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई, जिसके चलते उत्तराखंड की तमाम सीमाओं पर कांवड़ियों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं CCTV कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। आपदा प्रभावितों का मौसम बदलते ही दहल रहा दिल, टेंटों में रात गुजारने को मजबूर। बीते रविवार को जनपद में आई आपदा के जख्म ताज, भटवाड़ी ब्लॉक के बाड़ागड्डी क्षेत्र के मस्ताड़ी गाँव के ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर रात खेतों में लगे टेंटों में गुजारने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से 3 टेंट देने के बाद अपना पल्ला झाड़ दिया है, जबकि लगातार हो रही बारिश के बीच न ही गांव में लाइट है व टेंट भी टपक रहे हैं। खेतों में अंधेरे में सांप और जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है। शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते ग्रामीणों में भारी रोष है। नैनीताल, नशे की हालत में महिला से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। नैनीताल के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता की महिला ने एक युवक पर नशे की हालत में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। साथ ही महिला का कहना है कि आरोपी युवक ने उसकी नकदी भी छीनी है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिथौरागढ़, पुलिस के हत्थे चढ़ा मानव तस्कर, चंगुल से महिला को छुड़वाया। बेरीनाग पुलिस ने पिथौरागढ़ से एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिथौरागढ़ की एक महिला बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला को फरीदाबाद बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी, दुल्हन तो नहीं मिली, दूल्हा पहुंचा जेल। हरिद्वार जिले में नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने समय रहते शादी होने से रोक दी। पुलिस ने इस मामले में शादी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र का है। लड़का लड़की दोनों अलग अलग धर्म के हैं। डेंगू से बचाव को प्रशासन ने कसी कमर, लार्वा मिलने के बाद अलर्ट। लगातार बदल रहे मौसम के साथ डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट हो गया है। नगर निगम भी नहीं चाहता कि कोरोना जैसी महामारी के बीच डेंगू जैसी घातक बीमारी आम जनता के बीच में आए, लिहाजा जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट हो चुका है। वैक्सीन की डबल डोज लगवाने वालों को राहत, RT-PCR नहीं दिखानी होगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों को राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके लोगों के लिए RT-PCR की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को परेशानी कम होगी। टिहरी में राशन की कालाबाजारी का वीडियो वायरल, जाँच के आदेश।
जिले के प्रतापनगर विधानसभा के अंतर्गत मदन नेगी के समीप राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। कालाबाजारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति स्कूटर से सरकारी राशन लाद कर ले जा रहा है। अब इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को दून विश्वविद्यालय में मिलेगा आरक्षण, राज्यपाल ने की घोषणा। राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की ओर से विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर की स्थापना की घोषणा की गई। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक बदलाव, मानवाधिकार एवं जातिगत भेदभाव जैसे विषयों पर अनुसंधान एवं शिक्षण के लिए विशेष रूप से सक्रिय रहेगा। नेपाल की कोविड रिपोर्ट पर भारत में नो एंट्री, बॉर्डर पर ही होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। भारत में आने वाले नेपाली नागरिकों का सीमा चौकियों पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उनकी भारतीय सीमा में एंट्री होगी। वहीं नेपाल की कोरोना रिपोर्ट के आधार पर किसी भी नेपाली नागरिक को भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई 12th रिजल्ट, 70,000 से अधिक छात्रों का 95% अंक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को देश भर के 12वीं के छात्रों का रिजल्ट घोषित किया। 13,04,561 छात्रों में से 12,96,318 छात्र 12वीं बोर्ड में पास हुए। ऐसे में 70,000 से ज्यादा छात्र 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।